आप सुन रहे हैं जिन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि वो आजम खान के परिवार से मिले, लेकिन मैंने उन्हें नहीं भेजा है और वो वहां पर क्यों गए आप उन्हीं से पूछिए तो बेहतर होगा। नितिन आप ही के सवाल के जवाब में उन्होंने ये बातें कही हैं। अब इसके क्या मायने निकाले जाए नितिन, क्योंकि सियासत में हर एक बयान बहुत कुछ कहता है। देखिए बिल्कुल, देखिए झुंझलाहट, निराशा, हताशा का ये कहीं ना कहीं सेंटेंस है। देखिए जिस तरीके से कहा जाए, एक परिपक्व लीडर की पहचान होती है जब परिस्थितियां विपरीत हो, जब सितारे गर्दिश में हो, जब चौतरफा कहा जाए दुश्मन ज्यादा मजबूत हो, तब आपका एक एक बयान, आपका एक एक कहा जाए स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। और आज जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मैंने नहीं कहीं ना कहीं RLD चीफ यानी जयंत चौधरी को भेजा है, आप उनसे पूछिए। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रहेगा, तो यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है वो इस स्ट्रेटजी में BJP कामयाब होती दिख रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुस्लिम MY जो फैक्टर है, मुस्लिम यादव जो सोशल बेस है समाजवादी पार्टी का, उसको BJP कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करना चाहती है। और यही वजह है कि जयंत चौधरी को लेकर, जयंत चौधरी को ही BJP ने इस काम में लगा दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि हमने उन्हें नहीं भेजा है। और जो जो काम BJP कर रही है वो काम उनके साथ अगर रहेंगे तो वो BJP का साथी माना जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए कहा कि ABP गंगा ने जब ये सवाल किया तो उन्होंने कहा तुम यही मानो। तो सवाल ये है कि अगर कड़वे सवालों का जवाब अखिलेश यादव ठीक ढंग से नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये उनकी झुंझलाहट, उनकी निराशा, हताशा का प्रतीक है। क्योंकि हम निष्पक्षता से सारे सवाल सभी लोगों से करते हैं और ये जो सवाल है वो मौजूद सवाल है। आज की सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम उत्तर प्रदेश का ये है कि एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी और वो आजम खान के परिवार के पास जा रही है, अप्रोच कर रही है, उसके मुखिया खुद अप्रोच कर रहे हैं और ये चीज़ अखिलेश यादव को जानकारी में नहीं है। अदनान चौधरी से लेकर तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जो कहा जाए नेता हैं धड़ाधड़ इस्तीफे दे रहे हैं और ये आरोप लग रहा है कि मुसलमानों की रहनुमाई समाजवादी पार्टी नहीं कर पा रही है। कई सारे जो मामले हैं लगातार बुलडोजर चल रहा है। ये वो मौजूद सवाल हैं जो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जयंत चौधरी यूं ही नहीं मिले होंगे आजम के परिवार से और इसकी जानकारी नहीं होना अखिलेश यादव को, इस पर इस तरीके के बयान देना राजनीति में कई समीकरणों को जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए।